नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या निर्भया के दोषियों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी हो जाएगी? लक्षण तो ऐसे ही लग रहे हैं, क्योंकि इस बार चारों तरफ से दोषी घिर चुके हैं। ये बात अलग है कि वो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा रहे हैं और अब वो इंटरनेशनल कोर्ट पहुँच गए हैं। दरअसल ये चाल उनके वकीलों की है। वो इस बात को दरकिनार कर गए या समझते हुए नासमझ बन गए कि जब किसी एक देश का मसला हो और उसमें ज्यूरिसडिक्शन जो है कभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं लग सकता। इसमें क्या होता है कि जब दो देश हों या कई देश शामिल होते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जाधव का मसला हुआ तो भारत जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था, बट इस मसले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं लग सकता। लेकिन चर्चे में आने के लिए, पूरे मामले को दुनिया भर में सुर्खियां बनाने के लिए, जो निर्भया के तीन दोषी हैं वो पहुंच गए हैं वहाँ पे। हेग में वो कोर्ट है। अब वो इंटरटेन करता है नहीं करता है वो तो बाद की बात है। इन्होंने अपनी तरफ से अर्जी लगा दी है, लेकिन अर्जी लगा देने भर से फांसी नहीं रुकने वाली है। और जो खबरें आ रही है, तिहाड़ जेल में जो तैयारियां चल रही है उसके मुताबिक 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। कालू जल्लाद का पोता जो है पवन जल्लाद जो है तिहाड़ पहुँच चुका है। हर बार फांसी पर चढ़ाने से पहले जो है ट्रायल किया जाता है, वो ट्रायल की तैयारी चल रही है। लेकिन इतिहास में जब देखेंगे, कई फांसियां दी गई हैं इसी तिहाड़ जेल में, तो पाएंगे कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैदी किस मिजाज का है, किस स्वभाव का है, और वही मिजाज और स्वभाव उसका फांसी के समय भी रहता है या फांसी से चंद दिनों पहले तक उसकी दिनचर्या बदलती है, उसका वेट घटता है, बीपी बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। निर्भया के मामले में जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक इन चारों की बेचैनी तो बढ़ी है, लेकिन चूंकि तीन बार जो है डेथ वारंट टल चुका है, ये चौथी बार डेट मुकर्रर की गई है, तो कहीं ना कहीं दोषियों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि चौथी बार भी टल जाए, इसलिए थोड़ी सी उनमें निश्चिंतता है। आपको याद दिलाऊं कि रंगा बिला को जब फांसी दी गई थी, रंगा बिला पे आरोप ये था कि उन्होंने एक 14 साल की किशोरी का और उसके भाई का अपहरण करके पहले किशोरी के साथ रेप किया और फिर पहले भाई को मारा, फिर बहन की भी हत्या कर दी थी। तो उसमें रंगा जो है वो हमेशा खुशमिजाज रहता था, अंदर से थोड़ा हिम्मती था, और बिल्ला जो है हमेशा रोता रहता था। वो कहता था कि रंगा ने मुझे फंसवा दिया। आज जब उनके फांसी के देने की बारी आई तो इसी पवन जल्लाद के जो दादा थे कालू जल्लाद, उन्होंने फांसी दी थी। तो हुआ ये था कि जब रंगा और बिल्ला को एक साथ फांसी पे चढ़ाया गया तो तरीका ये होता कि फांसी पे चढ़ाने के आधे घंटे बाद चेक किया जाता है कि इसकी डेथ हो गई है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर होता है, वो चेक करता है। बट जान करके ताजुब होगा कि रंगा के जब चेक किया गया तो उसकी जो है नाड़ी चल रही थी और 2 घंटे बाद तक चल रही थी। फिर जो वहाँ पर डॉक्टर थे और जेल प्रशासन की टीम थी उसके होश उड़ गए थे। फिर वेट किया गया था। वेट करने के बाद जो है, कई बार ऐसा होता है कि कैदी उस समय यदि सांसें रोक लेता है तो थोड़ा सा उसका फ़र्क उस पर पड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रंगा जिस मिजाज का था उसका वो मिजाज फांसी के समय भी दिखा। बताते ही हैं कि उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ा था, जबकि बिल्ला जो है रो रहा था। तो ये रंगा की कहानी है कि वो अच्छा लास्ट में वो सत श्री अकाल कहता रहा। तो अब ये देखते हैं कि निर्भया के दोषी जो अभी तक थोड़ी सी निश्चिंत है कि शायद फांसी टल जाए, वो लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं उनकी दिनचर्या में क्या चेंजेज आते हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इनखबर। थैंक यू। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।